नमस्ते गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मल्टीपल रीनेम बॉट के बारे में। इस बॉट का यूज करके आप टेलीग्राम पर मल्टीपल फाइल्स और वीडियोस को एक साथ रीनेम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बॉट को एक बार यूज करके दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। तो ये हमारा बॉट है, हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करने के बाद ये आपको एक मैसेज भेजेगा जो कि इसका स्टार्ट मैसेज है। इसके बाद मैं यहाँ पे ये फाइल्स हैं इन्हें ले लेता हूँ। ये मेरी यूट्यूब वीडियोज है जिन्हें मैं एक साथ रीनेम करूंगा। आपको इन फाइल्स को बस सेंड कर देना है इसको बॉट को, और फिर ये सब पे रिप्लाई करेगा आपको। और फिर आपको रीनेम पे क्लिक करना है जिस फाइल को, और फिर आप फाइल को नाम दे वीनो, मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे उसका फॉर्मेट चूज करना है, मैं इसे वीडियो फॉर्मेट अपलोड करना चाहता हूँ। इसके बाद ऐसे ही आपको दूसरी फाइल पर भी करना है। ये एक साथ कई सारी फाइल्स को एडिट कर सकता है। मैं यहाँ पे इसमें डॉक्यूमेंट चूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इन चारों फाइल्स को एक साथ कर रहा हूँ। देखिए मेरा बोर्ड जो है वो साथ के साथ इन सारी फाइल्स को प्रोसेस कर रहा है एक साथ। इससे आपका जो है काफी सारा टाइम, देखिए एक वीडियो तो हो भी चुकी है। मैं किसी पे भी नाम दे देता हूँ सबको, किसी को मैं डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर रहा हूँ, किसी में वीडियो। तो ऐसे ही आप इस बोर्ड को यूज करके मल्टीपल फाइल्स को एक साथ रीनेम कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बहुत काफी फास्ट है। तो इस तरह से आप इस बॉट को यूज कर सकते हैं। इस बॉट के अंदर कस्टम थंबनेल का भी सपोर्ट है। आप क्या करेंगे कस्टम थंबनेल के लिए, आपको बस यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ द मूवीज। बस आपको ये इमेज सेलेक्ट करनी है, आपको इस इमेज को सेंड करना है। इमेज सेंड करते ही अपने आपका जो इमेज है उसे कस्टम थंबनेल के तौर पर सेट कर लेगा। अब जैसे ये इमेज सेट हो चुकी है, अगर मेरे को कोई और इमेज कस्टम थंबनेल के लिए सेट करनी है तो मैं यहाँ पे इसे दूसरी इमेज सेट कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो ये उसे कस्टम थंबनेल के लिए सेट कर देगा। तो इस तरह से ये बॉट वर्क करता है। अब हम आपको बताते हैं कि आप इस बॉट को अपने लिए डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारी आपको ये पाँच रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी। आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम का API ID और API हैश लेना होगा। अगर आपको नहीं पता कि आप अपने टेलीग्राम की API ID और API हैश कैसे लें तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने टेलीग्राम का बॉट टोकन लेना होगा। अगर आपको नहीं पता कि टेलीग्राम पर बॉट कैसे क्रिएट करें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगा डाटाबेस का URL जो कि हम MongoDB पे क्रिएट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आप MongoDB URL कैसे क्रिएट करें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपको GitHub और Heroku पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि इन दोनों वेबसाइट्स पे अकाउंट कैसे क्रिएट करें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारी रिपो का लिंक है, आपको इस लिंक को अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। इस लिंक को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स का वेट करना होगा। 10 सेकंड्स का टाइम है पूरा होने के बाद आपको इस पिंक बटन पे क्लिक करना है जहां पे लिखा हुआ है गेट लिंक। इसके बाद हमारी जो रिपो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। हम अपनी इस रिपो के लिए स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे हमारे एक सब्सक्राइबर विवेक तोमर, उन्होंने इस रिपो को डिजाइन किया है। उनकी आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें गिटहब पे फॉलो कर सकते हैं और उनके चैनल पे उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पेज को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है। डेस्कटॉप साइट में ओपन करने के बाद आपको फोक के ऊपर क्लिक करना है। फोक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट फोक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारी जो रिपो है वो फोक हो जाएगी हमारे गिटहब अकाउंट के अंदर। फोक हो जाने के बाद आपको यहाँ पे डिप्लॉय बटन दिख रहा है, आपको इसका URL कॉपी करना है, लिंक एड्रेस कॉपी करना है और आपको इसे कहीं भी पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड लाइन के अंदर github.com के बाद स्लैश के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विवेक, तो आई एम विवेक तोमर, आपको इसे रिमूव कर देना है। और यहाँ पे आपको अपना टेलीग्राम अपना गिटहब का यूजर नेम एंटर करना है। तो मेरा यहाँ पे गिटहब का यूजर नेम था ybot827 और इसे सेव कर देना। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा गिटहब का यूजर नेम मेरे को कहाँ से पता लगा। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं ybot827, तो ये मेरा गिटहब का यूजर नेम है। फिर आपको इस लिंक को ओपन करना है अपने ब्राउजर के अंदर। हमारे यहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगा। लिंक ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले अपने बॉट को नेम देना होगा हीरोकु पर। मैं अपने ऐप को नेम दे देता हूँ कुछ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसे रीनेम। आप यहाँ पे याद रखें कि आप यहाँ पे सिर्फ स्मॉल लेटर्स ही यूज करें, रीनेम स्मॉल मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिन आईडी एंटर करनी होगी यहाँ पे, यानी कि आपके टेलीग्राम की यूज़र आईडी। अगर आपको नहीं पता कि आप अपने टेलीग्राम की यूज़र आईडी कैसे ले सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आप रोज़ बॉट के पास जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे रोज़,
और फिर आपको बॉट को स्टार्ट करना है। बॉट स्टार्ट करने के बाद आपको ऐसे मैसेज करना है /ID, और ये जो आपकी आएगी यही आपकी टेलीग्राम की यूज़र आईडी है, आपको यहाँ पे इसे एंटर कर देना है। इसके बाद आपको हमने पहले ही बता दिया API हैश और API आईडी, आपको यहाँ पे वो फिल करना है अपना टेलीग्राम का API आईडी और API हैश। इसके बाद आपको डाटाबेस के अंदर यहाँ पे लिखना है Cloud0, ये आपका डाटाबेस का नेम होगा जो बाय डिफॉल्ट Cloudflare के अंदर Cloud0 ही होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना MongoDB का URL एंटर करना है। MongoDB का URL एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पे अपना बॉट टोकन एंटर करना है जो कि आपको बॉट फादर से मिलेगा। बॉट टोकन एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डिप्लॉय ऐप पे क्लिक कर देना है, फिर आपको जो यहाँ पे बॉट है वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा आपके बॉट के डिप्लॉय होने का। हमारा बॉट यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज ऐप पे क्लिक करना है। मैनेज ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड पेज पे आना है और चेक करना है कि आपका डायनो एक्टिव है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डायनो अभी यहाँ पे बंद है। आपको इस डायनो को स्टार्ट कर देना है ताकि आपका बॉट स्टार्ट करना लगे वर्क। इसके बाद आपको टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर आने के बाद ये हमारा बॉट है जो हमने अभी डिप्लॉय किया है, आपको अपने इस बॉट को स्टार्ट करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बॉट यहाँ पे वर्क कर रहा है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद भी अगर आपको बॉट डिप्लॉय करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे सपोर्ट ग्रुप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी हेल्प के लिए। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।